लॉकडाउन के चलते पिछले 6 माह से सड़कों पर बसों के पहिए थमे हुए हैं। ऐसे में बस मालिकों के साथ ही बसों को चलाने वाले चालक और परिचालकों के सामने अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। आज हमारे साथ बड़ी संख्या में चालक और परिचालक मौजूद है। आज उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में बसों के पहिए थमने के बाद उनके सामने क्या क्या परेशानियाँ आ खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। बसों के पहिए थमे हैं, परेशानी क्या? खाने के वांदे हो रहे, हमारे कर्जा कर रहे, किराना दुकान वाले सामान नहीं उधार दे रहे, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे हम? हमारे पीछे घर बार चल रहा, पैसे ने कर्जा कर लिया 30,000 रुपए। आप बस पे ड्राइवर हो? हाँ, बसों के पहिए बंद है, अब आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? या तो फिर सरकार ने कहे हमारे करना चाहिए, या तो फिर बसें चालू करो। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजाराम रमेश। क्या करते हो आप? मैं ड्राइवर हूँ। बसों के पहिए थमे हैं, क्या समस्या आ रही है आपके सामने? कैसा घर चला रहे हो? शिवराज सिंह चौहान से हमारी यही दरखास्त है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और हमें सहायता राशि दी जाए या फिर बस का चलन चालू किया जाए ताकि हमारे घर की व्यवस्था सही साट हो। हमारे भी बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल में जाने ले जा पाते हैं और हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर की जाए। हमारे साथ कुछ और भी है, परिचालक भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह ठाकुर। क्या काम करता है? मैं परिचालक हूँ। 22 मार्च से गाड़ी बंद हो चुकी है, ना किराया भर पा रहा हूँ मकान का, ना बच्चों का पाचन पोषण कर रहा हूँ। उधार लेने जाओ किराना सामान, उधार भी नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं पैसे लेके आओ। और अब क्या करना, अब हमारी कुछ न कुछ सहायता की जाए सरकार द्वारा। अभी क्या काम कर रहे हो आप लॉकडाउन में? बसें बंद। अभी हमने हिमालय वगैरह करी है भैया, हिमालय कर रहे थे भाई, हिमालय में पोषण नहीं हो पा रहा है। क्या मांग करते हो सरकार से? हमारे सरकार से ये मांग है कि हमको कुछ सहायता दी जाए या बसें चालू करा जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? दिलीप मकासरे। दिलीप जी, क्या काम करते हो आप? गाड़ी चलाता हूँ सर। अभी क्या समस्या आ रही है रोजगार में और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी है उनको संचालन किया जाए या तो हमको यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 6 महीने से बसों के पहिए थमे हैं, किस दौर से गुजरे हैं, कैसे आपने घर चलाया, क्या परेशानियाँ उठाई? बहुत हालत ख़राब हो गई साहब हमारी तो। क्या परेशानियाँ थी आपको? परेशानी क्या, खाने पीने के वादे हो गए हमारे, क्या करेंगे, क्या काम धंधे। बिल्कुल साफ तौर पे चालक और परिचालकों का कहना है कि उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, परिवार चलाने मुश्किल हो रही है। क्या नाम है चाचा आपका? आबिद मंसूरी है। क्या काम करते हो? ये जब से लॉकडाउन हुआ, जब से गाड़ियाँ खड़ी है, उस टाइम से हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं। और लॉकडाउन में हमने मजदूरों को देवास छोड़ा, उसके बाद भी हमको कुछ सुविधा नहीं मिली है और अभी घर से बेघर है और बहुत परेशानी है, कड़की बहुत चल रही है। अभी लॉकडाउन में बसें बंद है? बसें बंद है। क्या रोजगार कर रहे हो, कैसे घर अभी चला रहे? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, मजदूरी भी नहीं हो जा रही है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हम, घर से बेघर है अभी। बिल्कुल चालक और परिचालकों का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से उनके सामने आर्थिक रूप से संकट उभर आया है। सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि या तो बसों के पहिए फिर से शुरू किए जाए या फिर उन्हें सरकार की ओर से कोई राहत सुविधा मुहैया कराई जाए। लोकतंत्र न्यूज़ के लिए प्रतीक सोलह।